नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सिस बैंक में अपना आधार कार्ड लिंक कैसे कर सकते हो और आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके बैंक में आधार कार्ड अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती है। जैसे कि आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं और भी यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप अपने बैंक में आधार कार्ड को कैसे अपडेट करते हैं और कैसे लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना है ताकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चाहे तो आप ब्राउजर से इसको नहीं करना चाहते, यहाँ पर एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग से करने के लिए वहाँ पर आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके यानी इसमें रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेट बैंकिंग के द्वारा कैसे करते हैं। अगर आपको उसके ज़रिए भी करना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ पे चाहे तो आप क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र से करने के लिए आपको मोबाइल में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके बाद वहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। ओके, डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक ओपन कर लेना है, यानी सर्च करके ओपन कर लेना। ओके, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको सिंपली सी क्लिक कर देना। ओके, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन है, दूसरा है रजिस्टर। ठीक है, अगर आपने पहले से इसमें रजिस्टर करके रखा तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आप पहले से लॉगिन करके नहीं रखा यानी आप पहली बार इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर करने के लिए नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्री यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन आईडी, कस्टमर आईडी, उसके बाद डेबिट कार्ड नंबर, उसके बाद एम पिन। ठीक है, आप इससे यानी तीनों माध्यम से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे एम पिन, उसके बाद यहाँ पे एम पिन में यहाँ पे कस्टमर आईडी और यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, आप इससे इसमें जिससे लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको कस्टमर आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी का यहाँ पे नंबर जो भी यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एम पिन डालेंगे, उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे है मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, एम पिन डालेंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपके एटीएम कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पे डालेंगे, एटीएम कार्ड का जो भी पिन है, जैसे आप पैसे निकालते हैं चार अंक का जो पिन डालते हैं यहाँ पे पिन डाल देना है। उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके ओटीपी फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जाएगा यहाँ पे लॉगिन आईडी, कस्टमर आईडी, तो मैं इसी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो इससे करने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी, कस्टमर आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो मैं इसी से लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पे मैं लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल दूंगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं एक्सिस बैंक का जो है नेट बैंकिंग का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको अकाउंट का जो भी बैलेंस है यहाँ पे आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे सारा जानकारी उसका ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ईमेल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप इसमें आधार लिंक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू है। ठीक है, तो आप इसको मोबाइल में भी करेंगे तो वहाँ पे आपको सर्विस यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे नीचे मोबाइल में, अगर आप करते हैं इसी एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप से तो वहाँ पे आपको नीचे सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली से आपको सर्विस के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहेगा, तब तक थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेना है। वेट तब तक हम कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा जो है नेट यहाँ पे स्लो चल रहा, तो यहाँ पे मेरा आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस एंड सपोर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड लिंक करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट योर आधार, इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सर्च करके मंगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार। ठीक है, तो यहाँ पे आधार नंबर है, यहाँ पे अपडेट लिंक एड लिंक आधार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड लिंक करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपडेट भी करना चाहता हूँ, लिंक भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपडेट एंड आधार लिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लोज नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर आधार इज अपडेटेड विथ यस,
उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू सेंड आधार, तो सिंपली से आपको इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आधार कोड सेंटेंस आ जाता है, इसको आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लेना। ओके, आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं आई एग्री के ऊपर, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना। ओके, तो ओटीपी मैं आने तक मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर आपका ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पे ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मेरा जो है ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पे टाइम ख़त्म हो जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको रिसेंट ओटीपी का यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका ओटीपी नहीं आया तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओटीपी डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना। ओके, आप जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना, तो तब तक हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पे लिख रहा होगा यहाँ पे सिलेक्ट प्रेफरेंस योर सेटिंग, तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम लिंकिंग, उसके बाद यहाँ पे चेंज इन लिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिंकिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड आधार के ऊपर क्लिक कर लेना। ओके, अब जब सेंड आधार के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको वेट कर लेना, ये लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंडर प्रोसेस का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको सीड आधार का ऑप्शन आ चुका है। सीड आधार के नीचे यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर लास्ट टू डिजिट और यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अंडर प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ पहले, तो उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर आधार सीडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे योर रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड एंड अपडेटेड विथिन 48 बिजनेस और विल बी कम्युनिकेट एंड द स्टेटस विल रिक्वेस्ट शॉर्टली। ठीक है, यानी आपका आधार कार्ड जो है 48 घंटे के बाद आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा, या यानी आपका रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से 48 घंटे के बाद आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लोज आता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं और यहाँ से आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।